आज देखेंगे फॉग का प्रोग्राम, फॉग, स्मॉग या पॉल्यूशन या धुआं, ये सब हम किस तरीके से अपने ओपन जीएल में दर्शाते हैं और उसके पीछे क्या तकनीक है वो मैं आपको बताता हूं। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, पहले मैं वो प्रोग्राम आपको रन करके दिखा दूं, फिर हम उस पर और बात करेंगे। ये सारी फाइलें जो हैं आपको वीडियो के लिंक में दी गई है, ये सब आप डाउनलोड कर सकते हैं, फिर इसे यूज कर सकते हैं। तो आपके पास ये एक बिटमैप फाइल है, जैसे कि हम एक क्यूब बनाएंगे और क्यूब में चारों जो फेसेस हैं उसमें ये बीएमपी जो इमेज है एज अ टेक्सचर लगाएंगे। इस बीएमपी को रीड करने के लिए आपके पास ये दोनों फाइलें हैं, ये क्लास है इमेज लोडर और ये मेन फाइल है, उसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, फाइल करेंगे न्यू प्रोजेक्ट, विंडो कंसोल में अपने जाएंगे और फॉग का प्रोग्राम लिख देंगे, ओके करेंगे, फिनिश कर देंगे। यहां पर हम ऐड एग्जिस्टिंग आइटम करेंगे और जैसे कि मैंने अभी आपको फोटो दिखाया था, वहां से आप 1, 2, 3 ये तीनों फाइलें कॉपी कर लें। जो लिंक मैंने प्रोवाइड किए हैं वहां पर भी ये तीनों फाइलें आपको मिल जाएंगी, इसे आप डायरेक्टली ले सकते हैं, ऐड कर लीजिए और जो मेन प्रोग्राम है ये, इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे और फिर उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं रन कराता हूं इस प्रोग्राम को और आप देखिए कि आपको एक फॉग का, क्लाउड का या धुएं का फील आ रहा होगा। तो बेसिक चीज ये है कि इसको किस तरीके से दर्शाया जाता है। दर्शाया ऐसे जाता है कि डिस्टेंस वाइज जो चीज पास है उसको हम किसी और चीज से दिखाते हैं, कलर से दिखाते हैं, जो चीज दूर है उसको हम किसी और कलर से दिखाते हैं, यानी कि डिस्टेंस के हिसाब से चीजें चेंज हो रही हैं। जो आप ये देख रहे हैं ये सब हम डिस्टेंस के हिसाब से चेंज कर रहे हैं। प्रोग्राम देखेंगे, मेन प्रोग्राम है ये, इसमें हमने ग्लट इनिशियलाइज किया, यहां पर विंडो इनिशियलाइज की और यहां पर यूजर इवेंट, यूनिट रेंडरिंग। सबसे पहले जो बॉक्स है उसके लिए एंगल क्योंकि हम मूवमेंट करा रहे हैं, टेक्सचर आईडी क्योंकि हमने एक बीएमपी इमेज एज अ टेक्सचर यूज की है, इन सब के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, टेक्सचर हम दे रहे हैं। इनिट रेंडरिंग में ये जो लाइन है यहां पर आप फॉग को एनेबल कर रहे हैं और आप क्लियर कलर कर रहे हैं, कलर को क्लियर कर दिया आपने, ये इमेज एज अ टेक्सचर ले लिया आपने। अब जो ड्रॉ सीन में आए आप तो आप ये बता रहे हैं कि ये स्टार्ट कहां से होगा, एंड कहां से होगा, और चूंकि यहां पर जो फॉग आई, फॉग एफ, इस तरीके से फॉग एफ वी ये हमें यूज करना पड़ेगा। फॉग का कलर क्या है आपने देखा, मिस्ट कलर, कलर आपने देखा, ये फॉग कलर आपको बताना पड़ेगा। यही एक्चुअल आपको एक स्मोक की या फॉग की फीलिंग देगा। अब फॉग या फिर जैसे मान लीजिए क्लाउड है, क्लाउड किस कलर के होते हैं, व्हाइटिश होते हैं, हल्के थोड़ा सा डार्क व्हाइटिश हो जाएंगे, तो वो कलर आपको देना पड़ेगा यहां पर और फिर आपको बताना पड़ेगा स्टार्ट क्या एंड क्या है। और उसी तरीके से वो स्टार्ट से एंड तक आपको यूजर को इस तरीके से कम होता दिखाई देगा कि एकदम फॉग की तरह दिखाई देगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके पास। फिर आपके पास बाकी तो लाइटिंग वगैरह है, लाइटिंग ये की हुई है, चारों फेसेस बना दिए हमने और फिर उसके बाद अपडेट, जैसे जब घूम रहा है तो किस स्पीड से घूमेगा, तो ये सारी चीजें इसमें, और ये है फॉग। तो ये है फॉग का एग्जाम्पल आपके लिए।